सो हेलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए बिगेस्ट अनाउंसमेंट अर्न अकेडमी की तरफ से। तो 2 जनवरी को यार आपका बिल्कुल जेई मेंस के ही पैटर्न पे एक टेस्ट कंडक्ट हो रही है। इस टेस्ट को देने के बाद आपका अगर जो जेई मेंस में या तो फिर एडवांस में टॉप रैंक आ जाता है तो आपका यार कॉलेज का जो फीस है उसका यार अप टू 5 लाख तक का फीस आपके रैंक के बेसिस पे आपको अर्न अकेडमी की तरफ से पे किए जा रहे होंगे। इसके साथ साथ यार आपका अगर जो इस टेस्ट में ही टॉप रैंक आ जाता है तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा 29 दिसंबर यानी कि आज से ही आपका 2 न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई के लिए इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है वो आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। 11th का पूरा जो है बैकलॉग क्लियर कराया जाएगा सारा रिवीजन के साथ साथ, 12th बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ आईआईटी जेई के लिए जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा यार अनअकैडमी पे न्यू फीचर आ चुका है जहां पे कि आप लोग एट ए टाइम 3 डाउट पूछ सकते हो एंड जिसका जो सोल्यूशन है डाउट का सोल्यूशन आपको आपके प्रिफर्ड लैंग्वेज में जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसमें आपका जो सोल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें या तो फिर अनअकैडमी का वेबसाइट पर भी आप लोग जो है डाउट पूछ सकते हो। तो इन सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट करें एंड इन सभी में इनरोल करते टाइम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज करें कैपिटल में SONU12। सो फाइनली यार बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक का जो कि है कि आपका कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है जेईई 2022 के आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो देखो यार इसके रिगार्डिंग जो है पहले से कोई भी हम लोग के पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है या तो फिर कोई भी एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियली इस तरह से नहीं होता है कि आपका जो है एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन यार क्योंकि यार ये जो है बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में यानी कि एग्जाम के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे कि आपका यार डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में जो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका शिफ्ट में अगर जो इजी पेपर आ गया डिफिकल्टी लेवल अगर जो इजी है तो यानी कि आपका इजी पेपर में जो होता है ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे अगर जो कोई थोड़ा सा पेपर टफ आ गया तो वहां पे थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी अच्छा खासा परसेंटाइल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है एंड बहुत ही ज्यादा मिस वेरिएशन देखने को मिलता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। लेकिन यार हम लोग प्रीवियस ईयर के जो है एनालिसिस को के बेसिस पे हम लोग ये एक जो है आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यार इस वीडियो में 2021 का एनालिसिस देखने वाला है एंड उसी के बेसिस पे हम लोग आइडिया 2-4-10 नंबर यार थोड़ा बहुत यानी कि आगे पीछे हो सकता है लेकिन सिमिलर आपका 2021 में जिस तरह से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो है ट्रेंड रहा है उसी तरह से सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार ये आप लोग देख सकते हो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जेईई 2021 का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एंड यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो जेईई 2022 का एक्सपेक्टेड टू भी वेरी सिमिलर बहुत ही ज्यादा सिमिलर होने वाला है 2022 के लिए भी। एंड यार फाइनली मैं इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहूंगा मैथ ऑन गो एक यूट्यूब चैनल है तो उन सर को देना चाहूंगा क्योंकि यार ये जो पीडीएफ है फाइनली उन्हीं सर के यूट्यूब चैनल से मैंने डाउनलोड किया है तो उस यूट्यूब चैनल का जो है लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटाइल एंड यहाँ पे आपका 3 डेज एग्जाम हुआ था जिसमें कि 6 शिफ्ट हुआ था, ठीक है। 6 शिफ्ट हुआ था जैसे कि 24 का मॉर्निंग शिफ्ट, 24 का इवनिंग शिफ्ट, 25 का मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट एंड उसी तरह से 26 का मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो परसेंटाइल तो 99% के लिए सबसे जो मोस्ट स्कोरिंग यानी कि शिफ्ट था, ठीक है, यानी कि बहुत ही सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट था वो 24 का मॉर्निंग शिफ्ट था जिसमें कि 220 मार्क्स पे आपका 99% मिला था, ठीक है, बना था। एंड वहीं पे अगर जो बात करें मोस्ट डिफिकल्ट पेपर का तो वो था 26th डेट का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो मोस्ट डिफिकल्ट आया था, ठीक है, जहां पे कि आपका 175 मार्क्स पे ही आपका 99% बन गया था, ठीक है। तो ये यार एक जो है हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है, ये कोई भी एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि आपका इतना मार्क्स पे आपका 99% आ जाएगा, ठीक है। जहां पे आप लोग देख सकते हो 220 to 175 के बीच में अगर जो आपका मार्क्स आता है तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो है 99% बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो इन सर ने जो है आपका एवरेज लिया गया है कि आपका 200 मार्क्स अगर जो लाते हो तो आपका जो है 99% जो है बन जाएगा, ठीक है। वहीं पे 98% के लिए इस तरह से देख सकते हो 192 जो है मोस्ट स्कोरिंग यानी कि जो सबसे इजीएस्ट पेपर था उसके लिए 192 मार्क्स पे 98% बना था एंड 150 मार्क्स पे मोस्ट डिफिकल्ट जो पेपर था 150 मार्क्स पे आपका 98% बना था, ठीक है। तो इन दोनों का अगर जो एवरेज की बात करें तो अगर जो 175 मार्क्स आप जेईई 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर के चले आते हो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका 98% बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर 97% के लिए 156 मार्क्स, 96% के लिए 144 मार्क्स, 95% के लिए 131 मार्क्स एंड 94% के लिए 122 मार्क्स एंड इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड वहीं पर अगर जो 99% से ओवर की अगर जो बात करें यानी कि 99.1% के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 203 मार्क्स एंड 99.2% के लिए 208 मार्क्स एंड उसी तरह से आप लोग देख सकते हो 99.5% के लिए 223 मार्क्स, ठीक है, जो कि यार एक 99.5% एक अच्छा माना जाता है यानी कि आपको टॉप का आईआईटी, टॉप का एनआईटी, टॉप का आईआईटी नहीं लेकिन टॉप का एनआईटी कॉलेज आपको मिल रहा होगा, ठीक है। एंड वहीं पे अगर जो बात करें 99.9% के लिए 258 मार्क्स एवरेज आप लोग लेकर के चलो, ठीक है। तो ये डेटा यार आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल 2021 का आपका फरवरी अटेम्प्ट का यानी कि 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट का है एंड इसी के यार सिमिलर जो है आपका 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि मार्च अटेम्प्ट, मार्च में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो इसी के यार सिमिलर होने वाला है, ठीक है। आपका 5 to 10 मार्क्स जो है वेरी कर सकता है लेकिन आपका एवरेज जो है इसी एवरेज मार्क्स को
आप लोग लेकर के आप लोग टारगेट करें, एंड ये जो है आपका डाटा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो इस डेटा को यार आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लें, एंड आप लोग यार इसी डेटा को ध्यान में रख करके, इसी मार्क्स को, इसी परसेंटाइल को ध्यान में रख करके आप जो है अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है। बाकी जेमिन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, एंड हर छोटी छोटी अपडेट आती रहेगी। तो मेक श्योर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें। बाकी आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में अगर जो ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको छोटी छोटी जो भी अपडेट रहता है वहाँ पर मैं देते रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी बस इस वीडियो में यही फाइनली आप लोग को बताने वाला था। तो बाकी बस आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।